नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली टॉक्स में। आज हम आए हैं एमजीएस हॉस्पिटल में, जहां पर आज हम बात करेंगे ईएनटी विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल भार्गव से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। मैं हम डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, हम ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और एमजीएस में 2 साल से कार्यरत हैं। बारिश का मौसम है, इस समय कान के इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। हमारे यहाँ एलर्जीज बहुत कॉमन होती है, जिनको नाक में छाती में एलर्जी होती है उनके बहुत ज़्यादा एलर्जी अभी बढ़ जाती है। तो इस समय एक तो हमें कान को पानी से बचाना चाहिए, हमें कान में तीली या ईयरबड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर, आपके यहाँ हॉस्पिटल में क्या दूरबीन द्वारा भी इलाज किया जाता है? हमारे यहाँ नाक कान गले की सारी सुविधाएँ मौजूद हैं। नाक कान गले के, थायराइड के, मुंह के, गले के कैंसर का यहाँ पे जांच और इलाज होता है। जैसे आप दूरबीन के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ कान की बिना चीरे करके दूरबीन से सर्जरी की जाती है ना, उसमें कोई एक टांका नहीं आता है, कोई चीरा नहीं आता है, सेम डे हम मरीज को घर भेज देते हैं। जैसा कि सर आजकल देखा गया कि लोगों के गर्दन में बहुत शिकायत होती है, हल्का फुल्का दर्द होता है, तो क्या ये कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल हमारा खान पान रहन सहन ऐसा हो गया है, अल्कोहल भी लोगों ने काफ़ी लेना शुरू कर दिया है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है, गले के कैंसर के इंसिडेंसेस, मुंह के कैंसर के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। गले के कैंसर के जो कुछ लक्षण होते हैं, उसमें गले में बार बार खिचखिच रहना, बार बार गले ख़राब होना, लंबे समय 2 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए हमारी आवाज़ का बदल जाना, गले में खिचखिच होना, अगर ये सी समस्या होती है तो आपको तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और गले की दूरबीन जांच करानी चाहिए, जिससे इस बीमारी का जल्दी जल्दी पकड़ में आए और उसका छोटे उसमें ही इलाज हो जाए। और सर, जैसे कि कान आजकल बहता है लोगों का, अगर मान लो कि बार बार बह रहा है तो हमें दिखाना चाहिए आपके पास, अगर वो फिर भी ना ठीक हो तो कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 20% लोगों तक को कान के बहने की समस्या होती है। कान के बहना जो है, कान के अंदर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। शरीर के अंदर किसी भी जगह इन्फेक्शन हमारा ज़्यादा देर तक नहीं टिकना चाहिए। कान के पर्दे में अगर छेद होता है तो अंदर इन्फेक्शन से कान बहता है, हमें तुरंत उस इन्फेक्शन को ठीक करना होता है और उस पर्दे के छेद को बंद करना होता है। जैसे हमने बताया, वो हमारे यहाँ बिना टाँके के, बिना चीरे के वो सर्जरी हमारे यहाँ होती है, अगले दिन से मरीज़ हमारा जो है अपने काम में लग सकता है, कोई आजकल परहेज की ज़रूरत नहीं होती है। कान के द्वारा अलावा हमारी नाक की भी दूरबीन की सर्जरी होती है। साइनस की प्रॉब्लम इस समय बहुत कॉमन हो गई हैं, आप घर में ही भी देखोगे, आपको 2-3 साइनस की प्रॉब्लम के मरीज़ मिल जाते हैं। साइनस की जो प्रॉब्लम होती है उसके हमारे अलग अलग कारणों से होती है। जो सबसे कॉमन कारण है हमारा एलर्जी, तो हमें सबसे पहले उसमें देखना होता है कि जी एलर्जी में किस चीज़ से एलर्जी है, उसका हमें निदान करना होता है। दूसरा कॉमन कारण है साइनस के अंदर हमारा जो उसका रास्ता है उसकी रुकावट होना। ऐसी स्थिति में सर्जरी से हम काफ़ी अच्छा हमारे रोग का निदान कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे कारण होते हैं, वो हर मरीज़ में हमें रूल आउट करने होते हैं। हमारे यहाँ दूरबीन द्वारा सर्जरी होती है। अभी हाल ही हमने ऐसे पेशेंट की सर्जरी करी थी जिसकी साइनस की वजह से आँख में इन्फेक्शन चला गया था, वो भी पेशेंट बहुत अच्छे हैं। साइनस की कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होने से पहले हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लंबी प्रॉब्लम होती है, कई बार दवाई भी लंबी खानी पड़ती है। जैसे कि सर देखा गया कि लोग रात में सोते हैं अक्सर, जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, आजकल तो युवाओं में भी समस्या कि खराटे लेने की, सर इसके क्या लक्षण है और ये क्यों होता है? ये आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन एक पूछा है। खराटे हमारे बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा घर में कई लोगों को खराटे आते हैं। बच्चों में अगर खराटे आ रहे हैं तो सिंपल खराटे कुछ नहीं होते बच्चों में, बच्चों में अगर खराटे की समस्या है तो आपको दिखाना ही दिखाना है। बड़े लोगों में खराटे बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा कभी थकान हो जाती है तो खराटे आना कॉमन बात है। खराटों में हमें कब दिक्कत आती है, कब आपको डॉक्टर से मिलना है खराटों के लिए? अगर आपका खराटों के साथ साथ बीच में कुछ सेकेंड के लिए खराटे रुकते हैं और ऐसे होता है, खराटे आ रहे हैं बीच में कुछ सेकंड के लिए खराटे रुके और एकदम से उठे, तब आपको दिखाना है। रात को बार बार आपकी नींद टूट रही हो तब दिखाना है, गला बार बार ख़राब हो रहा हो तब दिखाना है,
सिंपल खर्राटे कोई दिक्कत नहीं है, खर्राटे बढ़ जाते हैं उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया, जिसके अंदर रात को हमारी सांस की नली जो है वो छोटी हो रही होती है। उसके जो कॉमन और सिम्टम्स हैं वो होते हैं बीपी का बढ़ जाना, एसिडिटी का होना, हार्ट पे इसमें असर आ जाता है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी दवाइयों से नहीं निदान हो रहा है, आपको ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया की समस्या हो सकती है, वो आपको दिखाना चाहिए। रात को बार बार गला सूख जाना, अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं, रात को नाक बंद हो रही है, आप मुँह से सांस लेंगे जाहिर है गला सूख जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको जरूर दिखाना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया जो है एक साइलेंट किलर होता है, मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, ये एक साइलेंट किलर है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल नहीं दिखाया तो कुछ हो जाएगा, हाँ, लेकिन 5 साल बाद आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि हाँ मुझे इसमें दिक्कत है। हम लोग यहाँ पे खर्राटों के लिए हमारी जांच भी होती है, खर्राटों के लिए एक स्लीप स्टडी होती है लेवल 2, वो भी हमारे यहाँ होती है, खर्राटों की एंडोस्कोपी भी हमारे यहाँ होती है, खर्राटों की सर्जरी भी हमारे यहाँ होती है। ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया में कुछ पेशेंट में हम सर्जरी से हल कर सकते हैं, कुछ पेशेंट को हमारे जो सीपैप मशीन होती है उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो ये थे डॉक्टर राहुल भार्गव, जो ENT विभाग के स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि हमें कैसे कैसे बचाव करने चाहिए, अगर कोई लक्षण है नाक कान में दर्द के तो हमें तुरंत ENT विभाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए।